Hello friends, welcome to our channel. Step Up IAS has a technical problem. सही सुन रहे हैं आप, सही देख भी रहे हैं आप. ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मुझे नहीं पता कि अपने इस फीलिंग्स को कैसे बताना है, कैसे समझाना है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही पेनफुल समय है. स्टेप अप IAS चैनल पर जहाँ हमने इतने साल तक मेहनत किया था, वो हमारे लिए एक चैनल नहीं था फ्रेंड्स, वो हमारी एक फैमिली थी, मेरी और आपकी एक फैमिली थी, जहाँ पर आप इंतज़ार करते थे इस डिस्कशन के लिए. और आज भी इवन कई सारे लोग, हज़ारों लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे. मुझे नहीं पता कि मुझे उन तक कैसे पहुँचना है, मुझे नहीं पता कि मैं उन हर लोगों को कैसे बताऊँ कि ये डिस्कशन अब इस चैनल पर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर, उस चैनल पर हम पहुँच नहीं पा रहे, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे. तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे ऐसा लगा कि ये जो डिस्कशन आता है, ये बहुत सारे लोगों की उम्मीद है. कई सारे लोगों तक न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता, आसान भाषा में उन तक डिस्कशन नहीं पहुंच पाता, और इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर शुरू करते हैं, एक बार फिर शुरू करते हैं उसी जोश के साथ. हालांकि इतना आसान नहीं है जब आपके पास इतने सारे सब्सक्राइबर हों और अचानक आपके पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं है. मुझे ये भी नहीं पता कि इस वीडियोस में मुझे कितने व्यूज़ मिलने वाले हैं. हाँ, मुझे बस एक चीज़ पता है कि जो मेरे इस वीडियो को फॉलो करते आ रहे थे, अगर उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएंगी तो मुझे पहचानेंगे, वो मुझे सपोर्ट करेंगे. और बस इसी उम्मीद से मैंने इसको शुरू किया है. तो बाकी आगे का जो रास्ता है वो मेरे लिए तो बहुत बहुत कठिन है और मेरी टीम के लिए बहुत कठिन है. तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग अपने स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि स्टेप अप IAS एक ऐसा चैनल है ना जिसको आपने उठाया है, आपने प्रमोट किया है, हमने कुछ भी नहीं किया. तो अब लगता है शायद कि ये जो हमारी नई शुरुआत है इसको भी आप लोग उठाएंगे और ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी. हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ बेस्ट डिस्कशन की, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए बेस्ट चीज़ों को यहाँ तक लेकर के आने की जो हम पहले से करते आ रहे हैं. तो चलिए एक शुरुआत करते हैं फिर से. और जो लोग भी नए हैं वो बने रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपको डिस्कशन में बने रहना है. जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि उनको कितना फ़ायदा मिल रहा था. और एक बार फिर अपने इस डिस्कशन की शुरुआत हम करेंगे. आज 18 जून है और शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या हमें खास पता चलने वाला है आज के डिस्कशन में. और हम हमेशा की तरह कोटेशन से अपना स्टार्ट करेंगे, ऐसे राइटिंग का कोटेशन. और आज का कोटेशन बहुत ही प्यारा है, एथिक्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं. हार्ट इज़ अ वेरी गुड फर्टिलाइजर, एनी थिंग वी प्लांट, लव, फियर, हेट, होप, रिवेंज, जेलसी, श्योरली ग्रोज एंड बियर फ्रूट. वी हैव टू डिसाइड वॉट टू हार्वेस्ट. आपका हार्ट है, आपका दिल, वो एक फर्टिलाइज़र की तरह होता है, वो आपको ज़रूर रिजल्ट प्रोवाइड करता है. आप किसी के लिए अपने मन में लव रखते हैं तो आपको वापस लव मिलता है. आप किसी पर भरोसा करते हैं तो वो भी आप पर भरोसा करता है. तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जो भी बोते हैं वही आपको फल के रूप में मिलता है. ये स्वामी विवेकानंद जी का आर्टिकल है, ये कोटेशन है, इसको आप याद रखें, अपने लाइफ के हर एक पड़ाव पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. कि ये हमारी चॉइस होती है दोस्तों, कि हम किस चीज़ को किस तरीके से फील कर रहे हैं, कैसे उसको ले रहे हैं. आप जिस तरीके से आज का जो माहौल है COVID-19 के स्प्रेड होने के बाद और एक के बाद एक जो भारत के सामने इतनी समस्याएं आ रही हैं, IAT के टर्म्स में देख लीजिए, जो पड़ोसी देश हैं हमारे वो कैसे टारगेट कर रहे हैं भारत को, इकोनॉमिक स्थिति हमारी देख लीजिए. और ऐसे में भी अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी में बदलना चाह रहे हैं तो इट इज़ आर विश. ये हमारे गवर्नमेंट की आप काबिलियत कह सकते हैं, ये हमारे जनता की आप काबिलियत कह सकते हैं, हम लोगों की काबिलियत कह सकते हैं कि हम आज भी आगे बढ़ना चाहते हैं. तो वो सेम चीज़ आपके लाइफ में हर एक पॉइंट पर आता है कि आप आखिर क्या ग्रो कर रहे हैं और आपको उसका क्या फल मिलेगा. तो आज के बाद आप जो भी करते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप बस बिलीव करिए कि आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो आइए कोटेशन से आगे बढ़ें और आज जानते हैं कि डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है. तो हमेशा की तरह कोटेशन हमने देख लिया है, हम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जान लेंगे. और आज बता दें, आज पॉइंट्स वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम कई सारे ऑर्डिनेंस का जिक्र करने वाले हैं इस पॉइंट्स फॉर्मेट में. ठीक है,
तो आर्टिकल कौन कौन सा होगा? तीन आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और तीनों ही बेहतरीन आर्टिकल है। पहला आर्टिकल फेसिंग द इनकर्जन, इसमें इंडिया चाइना में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं और ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने शायद अभी तक पढ़ भी लिया होगा लेकिन अलग एंगल आपको जानने के लिए मिलेगा। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अनपैकिंग द रिफॉर्म, ये एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, फार्मर की समस्याओं को किस तरीके से सरकार ले रही है उसकी हम बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये आपको एक अलग डायमेंशन प्रोवाइड करेगा। जब भी आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आईआर के टर्म्स में आंसर राइटिंग करेंगे तो इट विल श्योरली हेल्प यू टू गिव यू द अनदर डायमेंशन ऑफ द आंसर, राइट। और हमेशा की तरह क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलती आई हूँ कि आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स, राइट। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो फटाफट जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं कि जब डिस्कशन में आप अंत तक पहुँचेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ से। डीबीओ क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आज जानेंगे, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा, मालूम होगा। और हम कुछ रेंजेस पासेस को भी देखेंगे डायग्राम के फॉर्मेट में। हम बात करेंगे G219 की, ये क्या है। इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उस समय क्या कारण रहे थे, क्या पहलू थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम ऑर्डिनेंस का जिक्र करेंगे, दो ऑर्डिनेंस होगा आज हमारे डिस्कशन में जो हम इंक्लूड करने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल कौन कौन सा है, फेसिंग द इनकर्जन, दूसरा आर्टिकल अनपैकिंग द रिफॉर्म और तीसरा आर्टिकल है मिसिंग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन एक व्यू यहाँ पर और फिर एक व्यू लास्ट में जब हम देखेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो तीन क्वेश्चन हैं, जब आप इन आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे, जैसे आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाला आर्टिकल सुनेंगे तो आपको वहाँ पर ध्यान से सुनना है, बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी नीड क्या है, आपको डिस्कस करना है इसकी ज़रूरत को, ठीक है। एंड व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट आर कंपेलिंग इंडिया टू मेक सच अ स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आपको इस एंगल से सोचना है। दूसरा आर्टिकल होगा गालवान वैली, आपको पता है क्या स्थिति वहाँ पर हो रही है और जो रीसेंट अभी इवेंट्स चल रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। तीसरा आर्टिकल एग्रीकल्चर पर बेस्ड होगा, एपीएमसी मार्केट से जुड़ा हुआ तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप तीनों आर्टिकल को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, आप श्योरली इसका आंसर अंत में लिख पाएंगे। हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कहाँ कहाँ पर रुकना है। जब हम दौलत बेग ओल्डी की बात करें तो आप रुक करके ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन श्योक रिवर की से पूछा गया है कि कौन से रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। एंड फार्मर जो हम ऑर्डिनेंस की बात करने वाले हैं, जो रीसेंट ऑर्डिनेंस आया है उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस समय भी ध्यान से सुनेंगे। एंड अगला क्वेश्चन भी सेम है लेकिन ऑर्डिनेंस दूसरा है, ठीक है, उससे पूछा गया है। एंड ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, जो लोग गाइडेंस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स में आना चाहते हैं, बिकॉज अभी का जो माहौल है उसमें आप खुद भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स को प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7500-69419 पर किसी भी तरीके की डिटेल। कुछ नए लोग हैं जिनको पता चलेगा इस प्रोग्राम के बारे में, तो ये पर्सनल गाइडेंस कैसा प्रोग्राम है, क्या होता है, कोचेस फैसिलिटीज किस तरीके से मिलती हैं, आप ये सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं फ़ोन पर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और हमारा पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फेसिंग द इनकर्जन। इसको सबसे पहले क्या सीखना है कि सिलेबस में कहाँ पर आएगा, जीएस पेपर थ्री आई होप याद होगा आप लोगों को सिलेबस। अगर सिलेबस याद नहीं है यूपीएससी का, जीएस के चार पेपर हैं उनको आप प्लीज़ याद करना शुरू करें। और जिस पेपर थ्री में इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेक्शन है वहीं से हम फेसिंग द इनकर्जन आर्टिकल को एसोसिएट करेंगे। और अब हम जब आर्टिकल को सीख रहे जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, तो उसके पहले हमें कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स। G219 क्या है, ठीक है, ये एक हाईवे है, ये एक हाईवे है और एक डिबेट है। आपको बता दें 1962 में जो वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसमें एक डिबेट है। हमने एक आर्टिकल में पहले डिस्कस किया था, उस दिन हमने इसी मुद्दे पर डिस्कस किया था कि दो बातों में डिबेट चलता है हमेशा। एक पहला जो डिबेट है कि इस वॉर का जो एक ट्रिगर पॉइंट होता है वो क्या था, तो एक ट्रिगर पॉइंट हमेशा ये G219 हाईवे को बताया जाता है।
कैसे? क्योंकि ये जो हाईवे बनाया गया है 179 किलोमीटर का हाईवे है और चाइना के द्वारा इसको बनवाया गया था साई चीन वाले हिस्से में जो भारत की टेरिटरी है और वहाँ से ये रोड होकर के गुजर रहा था। तो इस ये एक ट्रिगर पॉइंट माना जाता है। और दूसरा दूसरा जो एक पॉइंट माना जाता है वो क्या था, नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी, आपको याद होगा हमने एक दिन डिस्कस किया था। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आज की नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में जो ये स्टैंड ऑफ लगातार डिकेट्स में होते ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत समय के बाद ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाए ये ज़रूर बहुत समय के बाद हो रहा है, लेकिन अभी हम आर्टिकल में जानेंगे कि कैसे जो स्थिति है वो चाइना अपनी पॉलिसीज को कैसे बदलता जा रहा है और इंडियन टेरिटरी को कैसे कब्जा करने की कोशिश करता जा रहा है। देखिए, जो हाईवे का जिक्र हम कर रहे थे वो यही रोड है, यही रोड वहां से जा रही है और इसी को एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पर माना जाता है। तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाना है पूरे मैपिंग को लेकर के, बिकॉज अभी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद जो मैप है इंडिया का उसको बदला गया है। तो यहाँ पर किस तरीके से डिवीजन किया गया है, फिर उत्तराखंड में क्या किस चीज़ों को दर्शाया गया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। देखिए, ये आप ध्यान से देखिए, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। हम बार बार न्यूज़ में सुन रहे हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? देखिए, जो आपको रेड लाइन में दिख रही है ना, यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अभी हम आर्टिकल में आगे जानेंगे कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, ये एक्चुअली में कौन सी लाइन है, इसको आज तक किसी ने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया। ये राइटर का मानना है और उस बात को प्रूफ भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको कैसे वॉयलेट करता है बार बार चाइना। और ये देखिए, श्योक रिवर है यहाँ पर, श्योक रिवर ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। यहाँ पर ये गालवान रिवर है जो आकर के मिलती है श्योक में, और इसका जो कॉन्फ्लुएंस है वहीं पर अभी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ का, DBO का। DBO इज व्हाट? दौलत बेग ओल्डी। इसका भी आपको मैं इमेज भी दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली कहाँ पर पड़ता है, लेकिन कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं दौलत बेग ओल्डी के बारे में। ये जो हिस्सा है ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। और इसका नाम कैसे पड़ा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुल्तान सैद खान, इनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा दौलत बेग, ठीक है। और इनको दौलत बेग कहा जाता था, इसीलिए इनका नाम, इस जगह का नाम दौलत बेग ओल्डी रखा गया। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी जब वो लद्दाख और कश्मीर को जीत करके वापस आ रहे थे, तब ये सब हुआ था। तो ये सारे बेसिक हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में सीधे लिखे हुए हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी, ठीक है। तो ये सारी बातें, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हमें मालूम होना चाहिए, प्रेजेंट बैकग्राउंड हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए भाई एग्जैक्टली कहाँ पर है ये दौलत बेग ओल्डी। इमेज में जाने के पहले आप यहाँ पे जो फैक्ट है उसको देख लीजिए, काराकोरम रेंज इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन इन द फार नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये पूरा इसका एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर ये पड़ता है। 8 किलोमीटर है साउथ ऑफ द चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर से 8 किलोमीटर ही पड़ता है। तो सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया ये। और ये ट्रिगर पॉइंट क्यों बना? क्योंकि यहीं पर एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है भारत ने इस हिस्से को, चूंकि ये हिस्सा जो था वो बहुत ही अलग था और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता था भारत के सैनिकों के लिए, और इस हिस्से में पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता था भारत के जवानों के लिए। तो इसके लिए हमारे हमारे जवानों को सुविधा हो जाए वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए हमने रोड कंस्ट्रक्ट किया। और हमने कई आर्टिकल में डिस्कस किया था पहले भी, एक बार और आपको बता दूँ। देखिए, इस रोड का नाम क्या है, 255 किलोमीटर की रोड है, डारबुक श्योक DBO रोड के नाम से जानी जाती है। और 2019 में ये रोड कंप्लीट हुआ है। और जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करता है ना भारत, चाहे वो सिक्किम के पास हो रहा हो या लद्दाख में हो रहा हो, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा हो, तो चाइना को हमेशा से प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कितने सारे इवेंट हुए हैं, कौन कौन से साल में हुए हैं, और तब दिन जो गवर्नमेंट थी उनकी रणनीति कैसी रही उसको टैकल करने की, है ना। और आज जो रणनीति है वो कैसी है, ठीक है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है ये भी आप जान लीजिए अगर एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है। तो ये सारे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको जानना है। और ये देखिए लोकेशन दौलत बेग ओल्डी का, ये कितना इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये हिस्सा कितना अहम है भारत के लिए, जब एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत पर नज़र गड़ाए हुए है, उनका मन तो कुछ ऐसा है कि बस जितनी चाहे टेरिटरी वो भारत से ले लो।
तो सोचिए इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजिक रणनीति को स्ट्रांग बनाना। तो आज हम आर्टिकल दो डिस्कस करने वाले हैं इस पर। एक तो हम गवर्नमेंट के फेवर में डिस्कस करेंगे, फेवर इन द सेंस जो गवर्नमेंट की रणनीति है प्रेजेंट गवर्नमेंट की या प्रीवियस गवर्नमेंट की, उसको डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल जो हमारा आखिरी आर्टिकल होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहां पर हम इसके स्ट्रेटजिक पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। उसको बहुत ही अनबायस होकर के, बहुत ही न्यूट्रल होकर के लिखा गया है, तो आपको उसको सुनना ज़रूर है आज। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। डिस्कशन का इंट्रोडक्शन तो आपको मालूम है, प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही भयानक, और एक भावभीनी श्रद्धांजलि उन लोगों को, उन जवानों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, और आज तक बॉर्डर पर जितने लोग शहीद हुए हैं उन सभी को, उनका जो बलिदान है, हम उसको कभी भी यहाँ से डिस्कशन के माध्यम से हम उसको नहीं पूरा कर सकते। तो हमें बस उसी को फील करना है कि जो लोग वहाँ पर हैं हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए हर किसी को सिंपथाइज होने की ज़रूरत है। हम लोगों को भी, यहाँ की गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी, और हर किसी को। तो आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया है। गलवान वैली पर क्लैशेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और चाइना की तरफ से हालांकि जो कैजुअलिटीज़ हुई है, द चाइनीज साइड डज नॉट डिस्क्लोज, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितने लोगों की जानें उधर से गई हैं। तो ये सारा कुछ मामला चल रहा है अभी भारत और चाइना के बीच में। लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ की स्थिति है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है और ख़राब होती जा रही है, आप यूँ कहें। चाइना चेंज्ड इट्स टैक्टिक्स नॉट इट्स गोल, ये बात बहुत क्लियर हो जाना चाहिए हर किसी को कि चाइना अपने तरीके बदल रहा है भारत की टेरिटरी में घुसने का और उसको हथियाने का, जो उसका तरीका है उसको बदल रहा है। उसका जो गोल है वो बहुत ही क्लियर है। वो चाहे आप 1969 से लेकर के, यहाँ पे कुछ तो एक इवेंट लिखा गया है कि जैसे सोवियत यूनियन के साथ जब चाइना का की झड़प होती है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो सिर्फ भारत के साथ ये नहीं कर रहा है, तिब्बत को ले लीजिए या अदर सॉवरन कंट्रीज़ को ले लीजिए, साउथ चाइना सी को ले लीजिए, 1969 में सोवियत यूनियन की बात कर लीजिए, हर किसी के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कॉमन है। और 1969 का यहाँ पर जिक्र है कि जब वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज किया था, चाइना ने वहाँ की PLA आर्मी ने, जो काफ़ी अग्रेसिव रहती है दूसरों की टेरिटरी को कब्जा करने के लिए, तो उन्होंने उस समय में वहाँ पे जो सोवियत यूनियन ऑब्वियसली हुआ करती थी, बहुत ही ताकतवर थी, उन्होंने उनको उनको खदेड़ा था। बाद में एक बात एग्रीमेंट पर जा कर के रुकती है। तो ये चाइना की स्ट्रेटजी जो है वो हमेशा से रही है, और वो भारत के साथ भी इसको अपनाने की पूरी कोशिश करता रहता है, सबड्यूड द एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो आज की जो स्ट्रेटजी है चाइना की वो क्या है? चलिए, कल तो मतलब प्रीवियस डेज में तो ऐसा था कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते जाओ, कब्जा करते जाओ। आज एक नई रणनीति को चाइना अपनाता है। आप देखिए बाकी देशों के साथ भी आपको समझ में आ जाएगा कि इनका इनका उद्देश्य होता है कि जो देश है उसको आप अपने इन्फ्लुएंस में कर लो, अपने अपने कब्जे में कर लो। कैसे? सब कुछ आप आर्मी के थ्रू ही नहीं कर सकते, आप इकोनॉमिकली भी कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े अगर कब्जा कर लिया जाए तो कैसे? हर एंगल से न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी को बढ़ा करके। न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी, यहाँ पर हम मिलिट्री टर्म्स में बात करेंगे, अपने टैंकर्स के नंबर्स को बढ़ा करके। आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ में भी आपको बताए जा रहे हैं कि जो गलवान वैली है वहाँ पर 200 से ज़्यादा जो ट्रक हैं चाइनीज़ की तरफ से वो आ रहे हैं इस तरफ। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टैंक्स को बढ़ा करके, शोल्डर्स को बढ़ा करके, न्यूमेरिकल सुप्रीमेसी को दिखा करके, मिलिट्री अग्रेशन को दिखा करके, इन सब डोमिनेशन के माध्यम से ये एक नया टैक्टिक्स है जिससे कि एरिया को एक्सपेंड किया जा सकता है, और यही सारे तरीके अपनाता है चाइना। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद फिजिकल डिस एंगेजमेंट। तो अब आर्टिकल में कुछ एक प्रीवियस का जिक्र करते हैं, ये इवेंट का भी जिक्र करते हैं कि अभी तक चाइना के साथ भारत सरकार ने हमेशा ये कोशिश की कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को कंटिन्यू किया जाए, राइट, फिजिकल डिस एंगेजमेंट रखा जाए, मतलब कोई ऐसी हाथापाई ना हो, कोई युद्ध वाली स्थिति ना आए। आपको याद होगा, अभी आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, एक एग्रीमेंट हुआ है भारत और चाइना के बीच में, और न्यूज़ में लगातार आप यही सुन रहे हो कि कैसे चाइना ने उस एग्रीमेंट को ब्रीच किया है।
है ना, एग्रीमेंट कुछ ऐसा है कि आप गोली बारूद नहीं रख सकते, अगर हायर ऑफिशियल्स को भी गोली रखनी होती है तो उसके लिए भी बहुत हाई अथॉरिटी की परमिशन चाहिए होती है, उस वो भी आप उसकी जो नींव है उसको आप जमीन की तरफ रखेंगे, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको कि इंडिया बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या चाइना ने फॉलो किया? चाइना ने फॉलो नहीं किया, और लगातार यही कहा जा रहा है कि चाइना उस एग्रीमेंट को नहीं मान रहा। तो अभी तक क्या हो रहा था, भारत चाइना के बीच में एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट चल रही थी, बातचीत हो रही थी, वार्ताएं हो रही थी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बीच में, ऑफिशियल्स के बीच में, आर्मीज के बीच में, कि जो स्थिति है उसको सामान्य कर दिया जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जैसे कि गालवान वैली है या पोंगोंग लेक जो है वहां पर जो स्थिति बन रही थी अभी कुछ दिनों पहले से, तो उसको कोशिश ये चल रही थी कि बातचीत से ठीक कर दिया जाए, लेकिन अग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट का भी जिक्र करते हैं कि भाई अभी तक जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट रहा चाइना के साथ वो कैसा था, तो कुछ एक गवर्नमेंट का ये जिक्र करते हैं, 10 दिन गवर्नमेंट, हम यहाँ पर सही शब्द का यूज करेंगे, एग्जैक्टली किसी भी गवर्नमेंट को टारगेट करना यूपीएससी एस्पिरेंट का उद्देश्य नहीं होता, याद रखिएगा। तो आप और मैं यहाँ पे एज एन एस्पिरेंट डिस्कस कर रहे हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर कर रहे हैं। तो इन्होंने जिक्र किया कि 1988 में उसके बाद कई सारे एग्रीमेंट्स हुए ना चाइना और भारत के बीच में, बायलेटरल एग्रीमेंट्स कई सारे हुए 1988, उसके बाद 1993, 1996, 2005, 2012, 2013, तब तक के इतने सारे एग्रीमेंट्स, क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला उसका, आपके सामने है क्या रिजल्ट मिला उसका? सारे एग्रीमेंट्स को ब्रीच कर दिया गया। भाई एग्रीमेंट क्यों किया गया था? पीस के लिए, डिप्लोमेसी, डायलॉग्स के लिए, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो उसके लिए, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट इस चीज को, इस डिस्प्यूट को ओवरकम करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1993 की बात है, द देन प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव साहब, उन्होंने विजिट किया था बीजिंग में और एक ट्रीटी को साइन किया था, एक एग्रीमेंट को साइन किया था, नाम था पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप आंसर में डाल सकते हैं। उस एग्रीमेंट में भारत ने एक प्रपोजल रखा था, कहा था कि आप एग्जिस्टिंग वर्ड का यूज कीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब वो जो लाइन आपने खींची है ना, वो उसको आप वहां पर एग्जिस्टिंग शब्द का इस्तेमाल कीजिए कि वो जो लाइन है वो वही रहेगा, लेकिन चाइना ने इसको नहीं माना, और चाइना के ना मानने के बावजूद भी हमने उस एग्रीमेंट पर साइन किया, और उसका खामियाजा आज हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। इतनी वर्स्ट कंडीशन में जब भारत एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और दूसरी तरफ चाइना के उस व्यवहार से जूझ रहा है जो इस समय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि आप सभी और हम सभी जानते हैं कि ये जो कोरोना देन है वो किसकी है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, आगे फिर 2013 का जिक्र करते हैं कि 2013 में क्या हुआ। भाई दीप सांग प्लेन पर स्टैंड ऑफ कंडीशन क्रिएट किया गया, 19 किलोमीटर तक टेरिटरी में घुसने की कोशिश की जाती है चाइनीज आर्मी के द्वारा, पीएलए के द्वारा, और द देन गवर्नमेंट ने तब क्या किया था, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हो सकता है। द देन गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था वो कुछ दिनों तक तो था ही नहीं, कुछ एक हफ्ते बीत गए जब कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं बताया गया, अचानक दिसंबर 2013 में स्टेटमेंट आता है पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का, देर आर सम टाइम्स इंट्रूजन अकॉर्डिंग टू अस बट चाइनीज परसेप्शन ऑफ एलएसी सम टाइम डिफर्स। उसके बाद उस पर लीपापोती की जाती है, उस पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो अंत में मुद्दा निकलता है वो बहुत ही साइलेंट रहता है, किसी पब्लिक डोमेन में नहीं आता कि एक्चुअली में क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या बात हुई, क्या जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी स्थिति जो है वो साइलेंट रही, लोगों को पता नहीं चला, और 2013 की बात है जब ये सारी सिचुएशन हुई, उसके बाद फिर सिचुएशन अराइज होता है, एंड उस समय की बात है 2013 में जब 21 दिन का स्टैंड ऑफ रहा था, बाद में द मीडिया हैड रिपोर्टेड दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैड एग्रीड टू डिस्ट्रॉय द बंकर्स ऑफ इंडियन आर्मी हैड बिल्ट इन चुमार एरिया। तो आपको मैंने बताया था ना, जब भी भारत की तरफ से कोई एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी इन द सेंस कि जब हम अपनी ही टेरिटरी में कोई रोड बना रहे होते हैं, इंडियन आर्मी का बंकर बना रहे होते हैं, हम फेंसिंग कर रहे होते हैं, तो चाइना को प्रॉब्लम होती है, और यही तब भी हुआ था। मीडिया के हिसाब से ये कहना है कि तब इंडियन आर्मी का जो बंकर था उसको हटवाया गया था चुमार एरिया से, तब जाकर के चाइना ने स्टैंड ऑफ को क्लियर किया था। 2014 के बाद से इनका कहना है कि स्थिति जो है वो शिफ्ट हो गई,
भारत की जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो गई। खैर, आप इन सारे जो पहलू को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसको दिमाग में रखिएगा। अंत तक जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग में एक क्लू बनेगा कि एक जगह पर हम फेवर में बात कर रहे हैं, फिर अगले आर्टिकल में हमें क्या कुछ पॉइंट क्रिटिक में भी मिलेगा अभी, ठीक है ना। सो 2014 की बात है, जब पोस्ट जब न्यू गवर्नमेंट आती है तब उन्होंने किस तरीके से एक्शन लिया, उनकी पॉलिसी शिफ्ट हुई, पॉलिसी उनका बहुत ही डिफरेंट था। और चुशूल एरिया में 2014 में सेम सिचुएशन अराइज होती है। डोकलाम आपको याद होगा 2017 में, वहाँ पर काफ़ी दिन तक स्टैंड ऑफ रहा था। फिर गालवान वेरियन, पोंगोंग शो लेक, अभी की कहानी चल रही है वहाँ पर। तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आर्टिकल का राइटर का ये मानना है कि इनकी पॉलिसी बहुत ही डिफरेंट है, और इसलिए ये जो अग्रेशन है और ये जो लगातार एक्टिविटी है ना पीएलए की, वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि इनका कहना है कि 2015 में इंडियन आर्मी ने क्या किया था, इंडियन ट्रूप्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था वॉच टावर को और कैमरा को, जो पीएलए ने इंस्टॉल किया था दीपसांग प्लेन पर हमारे हिस्से में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसके बाद से थोड़ी खलबली मची है चाइना में। फिर आपको याद होगा डोकलाम वाला इशू, आपको याद होगा बहुत ही रिसेंट का, 2017 का है। 72 डेज का स्टैंड ऑफ होता है वहाँ पर, भूटान के साथ मिलकर के इंडियन आर्मी जो है वो स्टैंड ऑफ करती है, उधर से पीएलए आर्मी होती है चाइना की, और 72 डेज तक हटने के लिए हम तैयार नहीं थे। और बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनी रही थी उस समय में भी, ऐसा लगा था कि बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन ही गई थी। तो अभी अभी ये बताना चाह रहे हैं कि पॉलिसी काफ़ी शिफ्ट हुआ है, हम झुक नहीं रहे, और हम झुक नहीं रहे तो ये इस बात से बहुत ही दर्द हो रहा है चाइना को, और लगातार वो चाइना को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और अलग अलग अपनी तरकीब को, अपने टैक्टिक्स को अपनाने की कोशिश कर रहा है। नाउ अर्थशास्त्र कौटिल्य हाईलाइटेड द नीड फॉर डिटरेंट मिलिट्री माइट टू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग नेशनल पावर। इंडिया इज कमिटेड टू पीस विद चाइना बट नॉट ऑन द ग्रेवयार्ड। ऑब्वियसली जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम पीस चाहते हैं, भारत पीस चाहता है, लेकिन लेकिन जब हमें कोई उकसाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और जिस तरीके से हमारे जवानों ने अपनी जान गंवाई है, इसके बाद चुप बैठना और झुक जाना कतई बर्दाश्त और मंजूर नहीं है, कि ना किसी भी भारतीय को ना ही भारतीय गवर्नमेंट को। आइए अगले आर्टिकल पर चलते हैं, आप सीधा रुख करते हैं फार्मर्स की तरफ, फार्मर्स की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में ही आप ध्यान से जाकर के देखिएगा, लिखा हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड और बेसिक्स नहीं जानेंगे तो आपको आर्टिकल कम समझ में आएगा। तो आइए बैकग्राउंड की तरफ चले। हम सबसे पहले जिक्र करेंगे हाल ही में आए हुए ऑर्डिनेंस का, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। हु इज अ फार्मर, फार्मर को डिफाइन किया गया है। अ फार्मर इज डिफाइंड एज अ पर्सन इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस बाय द सेल्फ और बाय हायर्ड लेबर। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ आपके ऑर्डिनेंस में है, बहुत ही ऑथेंटिक साइट से सारी इंफॉर्मेशन को लिया गया है। तो आपको बहुत ही शांति से बैठना है, सबका नोट्स तैयार करना है, और फिर इन सारे ऑर्डिनेंस के बारे में ध्यान से सुनना है। तो फार्मर्स को डिफाइन किया गया, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया इस तरीके से। किस तरीके से एसोसिएट किया गया ग्रुप ऑफ फार्मर्स को, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, प्रमोटेड अंडर द स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपको याद करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। व्हाट इज फार्मर्स प्रोड्यूस, अब फार्मर्स प्रोड्यूस क्या होता है भाई, फार्मर हम कैसे जानेंगे कि ये फार्मर्स प्रोड्यूस है। सो मीन्स द फूड आइटम्स इंक्लूडिंग सीरियल, जिसमें कि वीट, राइस, ऑयल शीड, ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, शुगर केन, स्पाइसेस वगैरह आते हैं, वो हो जाएंगे फार्मर प्रोड्यूसेस। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ों को रखा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि भारत में जो सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एग्रीकल्चर प्राइमरी में आता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होता है कि माइन किस में आता है, पोल्ट्री किस में आती है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर है जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, कौन सी चीज़ जो प्राइमरी सेक्टर में आता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या और इंक्लूड किया गया है, प्रोडक्ट्स ऑफ पोल्ट्री, पिगरी, गोट्री, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड है। और याद रखिए रॉ कॉटन एंड जूट के साथ कैटल फॉडर भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। नाउ ऑर्डिनेंस क्या कहता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस कहता है टू प्रोवाइड अ बैरियर फ्री ट्रेड, ध्यान दीजिएगा, बैरियर फ्री ट्रेड एंड फार्मर्स प्रोड्यूस आउटसाइड द मार्केट। वो जो एपीएमसी, याद है आपको, बदलाव किया गया एपीएमसी एक्ट में, तो
तो उस पर एक ऑर्डिनेंस भी क्लियर कर दिया गया है ला करके कि भाई जो बैरियर है उसको नहीं रखा जाएगा, फार्मर बहुत ही आसानी से और आज़ादी से अपने सामानों को बेच सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। और अगले ऑर्डिनेंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ट्रेडर्स के बारे में है कि जो खरीदना चाहता है सामान उनको क्या क्या रियायतें दी गई हैं। ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स, इसके बारे में भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे इसको कि क्या क्या चीज़ों को अलाउ किया गया है इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स में क्या क्या चीज़ों को बाहर रखा गया है। प्लेसेस ऑफ ट्रेड, कौन कौन सी जगह जो प्लेसेस ऑफ ट्रेड में आएंगी, तो फार्म गेट, फैक्ट्री प्रमाइसेस, वेयर हाउस, सिलोज एंड कोल्ड स्टोरेज, याद रखना है आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी, ट्रेड का एलिजिबिलिटी क्या होगा, ये भी ऑर्डिनेंस ने क्लियर कर दिया है। फार्मर, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एनी वन हु बाय फार्मर्स प्रोड्यूस, तो वो कौन कौन होंगे, वो कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या होती है, ये भी क्लियर किया गया ऑर्डिनेंस में, परमिट कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस को, एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म मे बी सेट अप टू फैसिलिटेट द डायरेक्ट एंड ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग द फार्मर्स प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो आप देखिए, एक तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेस बनाना है हर चीज़ को, क्योंकि जो वायरस है ये वायरस कितने दिन तक रहेगा, क्या रहेगा, ये नहीं मालूम है किसी को, तो ऑनलाइन में हर चीज़ का प्रमोशन बढ़ता जा रहा है लगातार। वही दूसरी तरफ जो फार्मर्स हैं उनके लिए चीज़ों को आसान करना है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। फार्मर की इनकम को डबल करना है, ये बहुत दिनों से चल रहा है, इसका टारगेट भी हमने फिक्स किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतने अच्छे अच्छे ऑर्डिनेंसेस को लाया जा रहा है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी तैयार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऑर्डिनेंस है, मतलब अभी अगर तुरंत बेसिस पर सरकार फार्मर को मदद पहुंचाना चाहती है तो उसका एक तरीका ऑर्डिनेंस हो सकता है, और वो सरकार लेकर के आई है। बाद में ऑब्वियसली इस पर बिल लाए जाएंगे, लेकिन हम आर्टिकल में भी अलग एंगल को भी डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है जहां पर एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन का जिक्र किया गया है, ठीक है। द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, ध्यान दीजिएगा। तो उनका जो बिजनेस होगा ना, उसको कैसे प्रमोट करना है, वहां पर कैसे एग्रीमेंट होगा, फार्मिंग एग्रीमेंट क्या होगा, कैसे होगा, ये सब इस दूसरे वाले ऑर्डिनेंस में बताया गया। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर विद रेफरेंस टू सेल एंड परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक फ्रेमवर्क दिया गया है। अब लोगों को जब ऑनलाइन एक्टिविटी दी जा रही है, ऑनलाइन एक्सेस दिया जा रहा है, तो फार्मर के प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनको एम्पावर भी करना पड़ेगा, साथ में जो ट्रेडर्स हैं उनको भी एम्पावर करना है। तो हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए इस तरीके का ऑर्डिनेंस लाया गया है, जहाँ पर एग्रीमेंट के माध्यम से क्या कहा गया है, अ फार्मिंग एग्रीमेंट प्रायर टू द प्रोडक्शन और रियरिंग ऑफ एनी फार्म प्रोड्यूस एम्ड एट फैसिलिटेटिंग फार्मर इन सेलिंग फार्म प्रोड्यूस टू द स्पॉन्सर। तो पहले बहुत सारे लिमिटेशंस हुआ करते थे कि किसानों को मंडी में ही जाकर के सामान को बेचना है, जो खरीदार है वो एक लिमिट से ज़्यादा खरीद नहीं सकता। तो आपको याद है हमने ऑप्शंस का जिक्र किया था कि हम पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शंस को अपना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को अब कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट लेस बनाया जा रहा है, डायरेक्ट एग्रीमेंट हो सकता है, डायरेक्ट बातचीत हो सकती है, प्रोटेक्शन का भी सही और अच्छा प्रावधान रखा गया है, ठीक है ना। अब आइए आर्टिकल का डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डिनेंस में तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात किया, लेकिन आर्टिकल जो लिखा गया है वो थोड़ा सा क्रिटिक एंगल को डिस्कस करता है, ठीक है ना। तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको दोनों व्यूज मिल रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्डिनेंस है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है फार्मर को, लेकिन हम आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि इसमें क्या कुछ कमियां हैं और राइटर का क्या मानना है, ठीक है। तो राइटर का ये मानना है कि 1991 के बाद से बहुत सारे रिफॉर्म हुए, कई सारे मोमेंट आए जहाँ पर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म हुआ, लेकिन आने वाला हर ऑर्डिनेंस रिफॉर्म नहीं कंसिडर किया जा सकता। गेटिंग माई पॉइंट, आप हर कानून को जब ला रहे हैं तो उस हर कानून को हम रिफॉर्म नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक उस कानून से डायरेक्ट फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप रिफॉर्म करते हैं तो क्यों रिफॉर्म करते हैं, आप फार्मर को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी का जो दबदबा है उसको कम करना चाहते हैं, आप जो इंटरवेंशन है कई सारे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का, उसको कम करना चाहते हैं, ऑटोनमी देना चाहते हैं। तो जब तक ये जो आपका उद्देश्य है, ये एम पूरा नहीं होगा, तब तक हम कैसे किसी भी चीज़ को रिफॉर्म कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस ऑर्डिनेंस के बारे में क्या कहते हैं, जो पहला वाला ऑर्डिनेंस हमने डिस्कस किया था प्रमोशन फैसिलिटेशन वाला, इसके बारे में इनका मानना है कि
कि बिल वुड रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड। इनका कहना है कि जो बिल होता है, ये तो ऑर्डिनेंस लाया गया ना, जो बिल होता है वो पब्लिक डोमेन में आता है, डिस्कशन एंड डिबेट होता है, और एक तरफ जहाँ पर स्टेट ने, राज्यों ने अपना रेवेन्यू लॉस किया है बहुत ज़्यादा, राज्यों का जो आपको मालूम है GST के आने के बाद से कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रेवेन्यू उनकी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि GST क्या है, GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जो लोग प्रोडक्शन करते हैं ना उनको वहाँ पर, उन राज्यों को काफ़ी दिक्कत हो गई है। तो एक तरफ जो राज्य अपना रेवेन्यू भी लॉस कर रहे हैं, वहीं पर जब कोई बिल नहीं लाया जा रहा है तो उसका डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है, पब्लिक डोमेन में वो नहीं आ रहा है, एक तरीके से जो ऑर्डिनेंस होता है वो इम्पोज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है किसानों के ऊपर, राज्य के ऊपर, और ये कतई एक सही और सीधा तरीका नहीं हो सकता, ये आर्टिकल का राइटर का मानना है। नॉट विलिंग टू चेंज द लॉ, इनका कहना है कि जब आप ऑर्डिनेंस लाते हो ना, तो यहाँ पे अब एक और जिक्र कर रहे हैं ये कि कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जिनके जिनके हाथ में वो पावर है, जो कानून को बदल सकते हैं, कानून को अच्छा कर सकते हैं, किसानों के फायदे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि किसानों को एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर से बचाना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू डू इट, है ना। जैसे कि 15 करोड़ फार्मर्स ऐसे हैं जिनको कि बचाया जा सकता था, जो ट्रेडर्स उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनको सिक्योर किया जा सकता था, फाइनेंशियली उनको एक मार्केट प्रोवाइड किया जा सकता था, बट ये चीज़ें आज नहीं हो रही हैं क्योंकि विलिंगनेस की कमी है। नीड टू रिफॉर्म, रिफॉर्म होना चाहिए, आज रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे पंजाब में जो एग्रीकल्चर मॉडल को अपनाया गया था, तो कह रहे हैं कि रादर देन रेप्लिकेट द पंजाब सक्सेसफुल एग्रीकल्चर मंडी मॉडल, नाउ स्टेट विल लॉस वाइटल रेवेन्यू टू इवन अपग्रेड दे एंड रिपेयर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एक तरफ तो ऐसा हो सकता था ना कि हम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जनरेट कर सकते थे, जो पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब में जो मॉडल था एग्रीकल्चर का, हम उसको अपना सकते थे और दूसरे राज्यों में ला सकते थे, लेकिन आज वहीं पर जो राज्य हैं वो कई सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो देख रहे हैं, वहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने के लिए उनके पास रेवेन्यू नहीं है, वो इतना रेवेन्यू अपना लॉस कर चुके हैं, एंड जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, हो सकता है कि राज्यों के द्वारा उसको चैलेंज कर किया जाए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ओवररीच कर रहा है समहाउ। तो ऑर्डिनेंस कौन लेकर के आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है, वो सब जगह पर लागू होगा, तो इसमें स्टेट का नुकसान हो सकता है, और इसके लिए स्टेट यहाँ पर क्लेम भी कर सकती है। एंड व्हेन फार्मर्स सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द APMC मार्केट यार्ड, दे कैन नॉट लीगली बी चार्ज कमीशन ऑन द सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस। तो एक तरीके से इनका क्या मानना है कि अब जो ये बदलाव किया गया ऑर्डिनेंस के माध्यम से ना, अभी कई सारे बदलाव हुए हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव हुआ, APMC एक्ट में बदलाव किया गया, अभी दो नए ऑर्डिनेंस लाए गए, तो इनका कहना है कि इससे तो हम APMC मार्केट को ही ख़त्म कर दे रहे हैं, रैदर देन हमें उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए था, हम उसको और स्टैंडर्डाइज बना सकते थे, हम मंडी फीस को कम कर सकते थे, लेकिन अब जो रिफॉर्म आया है ना उसमें चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करने की तरफ हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी क्या किया गया, जो फूड आइटम्स हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। आपको याद है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला हमने जिक्र किया था, इस एक्ट में इसके माध्यम से जो एसेंशियल आइटम होते हैं उसके दाम को कितना बढ़ाना है, कितना घटना है, किस दाम पर उसको बेचना है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, फूड आइटम्स हो गए, वो सब इस एक्ट के तहत आते थे और उस वो पूरा सरकार के कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। लेकिन अब इस एक्ट से फूड आइटम को बाहर कर दिया गया क्योंकि हम फार्मर को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इनका कहना है कि हम एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी के ड्रैकोनियन पावर से बचाना चाहते हैं फार्मर को, लेकिन दूसरी तरफ जब हम इस तरीके के अमेंडमेंट को लेकर के आते हैं, बदलाव को लेकर के आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक जगह छोड़ देते हैं, हम एम्बिग्युटी को क्रिएट कर देते हैं, और एम्बिग्युटी के क्रिएट होते ही लोगों को फिर से फार्मर को टॉर्चर करने का एक मौका मिल सकता है। अब अगले ऑर्डिनेंस का जिक्र करते हैं, जो हमने दूसरा वाला ऑर्डिनेंस देखा था एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के बारे में 2020 का। अब उस एक्ट का इनका क्या मानना है कि वहाँ पर प्राइस अश्योरेंस की बात की गई है ना, कि प्राइस अश्योरेंस किया जाएगा, तो उसका नाम ये देते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑर्डिनेंस 2020। कहते हैं कि इसका नाम, इसको सिंपली कहा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑर्डिनेंस 2020, एंड द लीगल रिकोर्स इज नेवर अ प्रैक्टिकल चॉइस, द लीगल रिकोर्स इज नेवर अ प्रैक्टिकल चॉइस एज द परसुएसिव पावर ऑफ द एग्रीगेटर डीप पॉकेट कास्ट अ डार्क शैडो ओवर द जुडिशियल प्रोसेस।
उनका कहना है कि आप ये जो नए नए नॉर्म्स ला रहे हैं, इससे किसानों का फायदा नहीं होगा, उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो इससे रिजॉल्व नहीं होने वाली है। इस तरीके से तो आप जो शांता कुमार कमेटी, अब आपको एक बात याद रखना है कि शांता कुमार कमेटी किस चीज़ के लिए बनी थी, तो इसी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई थी, इसमें बदलाव के लिए बनाई गई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए थी, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार उन्हीं के रिकमेंडेशंस के तर्ज को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये जो बड़े बड़ी ये होते हैं, जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, MSP, PDS, इन सबको डिसमेंटल कर देना चाहिए, डाइल्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, फार्मर के को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और ये फार्मर को आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए इनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो अब राइटर का ये मानना है कि ये क्या करेगा, ये जो नए नए बदलाव लेकर के हम आ रहे हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से, ये और मौका देगा लोगों को ताकि वो एक्सप्लॉइट कर पाएँ फार्मर को, और साथ ही कई सारे से MSP है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप प्रोवाइड करते थे कि इतने दाम पर तो आपका हम खरीद ही लेंगे, या फिर आप FRP देते थे शुगर केन के लिए। तो हो सकता है कि अब राज्य सरकार जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों को फॉलो ना करे, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस में बदलाव लाया गया है वो गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट के पास कोई मॉरल ग्राउंड या पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं रहेगा कि वो इस चीज़ों को फॉलो करेगी, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और अलग डायमेंशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अगला आर्टिकल शुरू करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। क्या भारत में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है हमारे पास, और अगर है तो कैसा है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो कहाँ पर आ जाएगा ये, सिलेबस में आ जाएगा, GS Paper 3, इंटरनल सिक्योरिटी याद रखना है आपको। और मेन आर्टिकल पर सीधे चलते हैं आपको लेकर के, मुद्दा मालूम है, पहले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अभी माहौल खराब है, भारत पाकिस्तान, भारत और चाइना के इश्यू को ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और इनका कहना है कि अभी ये जो लगातार ये तीन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि स्टैंड ऑफ की कंडीशन जो बन रही है, खास करके पिछले 7 वीक से, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इतने डिकेड में, 5 दशक में स्थिति कई बार बनी है भारत और चाइना के बीच में, लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नमेंट एक सॉलिड प्रोग्राम या प्लान को लेकर के नहीं आई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जिक्र करते हैं कि अ फैमिलियर पैटर्न टू रिजॉल्व नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इनका कहना है कि अभी तक कई सारे इवेंट हुए, ठीक है, और इसमें दीपसांग इवेंट आपको अभी हमने बताया कि 2013 में हुआ, फिर चुमार 2014 में होता है, फिर डोकलाम 2017 में, और अभी ईस्टर्न लद्दाख 2020 में, ठीक है। तो ये लगातार एक के बाद एक इवेंट हो रहे हैं। नाउ हम लोग एक एक नॉर्मल सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, फॉलोड अ फेमिलियर पैटर्न टू रिजॉल्व द नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। हम लोग ये बहुत ही सिंपल सा जो फॉलो करते थे कि भाई आपस में बातचीत हो जाए, चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, वही टैक्टिक अपना फॉलो कर रहे हैं। बट द चाइनीज एक्शन कैच अप द सरप्राइज बोथ एट द स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिक लेवल। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना दिन ब दिन अपने फोर्स लेवल को हाई करता जा रहा है, टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग बनाता जा रहा है, मिलिट्रिकली और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को लगातार वो बढ़ाता जा रहा है, और ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअस हैं चाइना की तरफ से। तो अब इंडिया को भी यहाँ पर एक अलग एस्पेक्ट को लाने की ज़रूरत है। एंड द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट इज इन सच अ क्राइसिस दैट द पोटेंट पॉसिबल लॉस ऑफ टेरिटरी ऑफ इट्स फॉल आउट ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि भाई हम कभी भी किसी भी हालत में अपनी सॉवरेंटी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, तो ऐसे में सरकार को, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनको नेशनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कैसे बना के रखना है, इस पर एक अलग सोच को लाने की ज़रूरत है। अब अभी क्या हो रहा है कि एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। किस तरीके की एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, कह रहे कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग चाइना द इनिशिएटर एंड अग्रेसर ऑफ द क्राइसिस, क्या हो रहा है अभी अभी देखिए, चाहे वो भारत सरकार हो या कोई भी है, हम डायरेक्ट ये नहीं कह रहे हैं कि चाइना के द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि वो अग्रेसर की तरह बिहेव कर रहे हैं, बल्कि एक एक एम्बिग्यूटी क्रिएट किया जा रहा है लोगों के मन में भी, इंटरनेशनल कम्युनिटीज में भी, हम खुल करके बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हम कहीं ना कहीं मिलिट्री कैपेबिलिटी पर भी शक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आगे आर्टिकल में बताते हैं कि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो कितनी है,
और हम क्यों नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो अप्रोच अभी हम अपना रहे हैं कि हम चाइना को एज अ इनिशिएटर नहीं कॉल कर रहे हैं, ये अप्रोच कहीं ना कहीं नेशन को मिसलीड कर रहा है, एक सवाल उठा रहा है हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर। सरकार को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। और वी निगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ वीकनेस एंड हेंस कंसेशन गिव आर कॉज ऑफ द बिग वरी। तो एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू करने की ज़रूरत है हमारे हर तरीके पर, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर, हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस पर। हमें एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आगे आने वाले समय के लिए हमारे पास क्या प्लान है, राइट? हम हर चीज़ को हमें पब्लिक डोमेन में लाने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की एम्बिगिटी को क्रिएट करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है और किसी भी देश के लिए सही नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। इनका मानना है कि आज तक इंडियन गवर्नमेंट में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप को इसने उठाया हो। ये क्यों ज़रूरी है? आखिर जब हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपके पास सिक्योरिटी प्लानिंग होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बात कर लीजिए, आप कहीं जस्ट इमेजिन कि आप अंधेरे में निकलते हैं, तो आप अपने लिए एक सिक्योरिटी लेके चलते हैं। आप अपने पास टॉर्च रखते हैं या आप अपने मोबाइल का चार्ज देखते हैं कि हाँ वो चार्ज है कि नहीं, आपके मोबाइल का टॉर्च जल सकता है कि नहीं। आप अपने किसी दोस्त को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये जो आपकी प्लानिंग होती है वो आगे आने वाले खतरे के लिए आपको सावधान भी करती है और तैयार भी करती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ऐसा स्ट्रेटजिक प्लान होना चाहिए जो हमें आगे आने वाले किसी भी थ्रेट को लड़ने में हमें मदद दे और हमें एक विजन प्रोवाइड करता हो। इनका कहना है कि डिफेंस प्लानिंग कमेटी 2018 में इसके लिए शुरुआत भी करती है, एक फॉर्मलाइज वे में इसको लाने की शुरुआत होती है, लेकिन वो इनफ नहीं होता है, उसको अपनी चरम पर नहीं पहुंचाया जाता है जहां पर उसको पहुंचना चाहिए था। फोर्स लेवल, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं इन टर्म्स में अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की, स्ट्रेटजीज़ को लाने की ज़रूरत है सरकार को। एंड जो भी द मिलिट्री वर्क्स आउट द डिटेल्स आफ्टर अप्रूविंग देन, द गवर्नमेंट एलोकेट्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो पूरी जो स्ट्रेटजी है, ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्रेटजी, वो आना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। फंक्शनल अप्रोच को अभी तक फॉलो करते आए हैं लास्ट सेंचुरीज से ही, जैसे कि वी आर डेस्परेटली ट्राइंग टू अडॉप्ट इट टू फाइट द हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर इन 21st सेंचुरी। आज जो हमारी मिलिट्री पावर है, जो कैपेबिलिटीज है, वो कहीं ज़्यादा है। एंड ऐसे में पॉलिटिकल गाइडेंस अगर एब्सेंस होता है या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं होती है तो हमारी मिलिट्री के पास ताकत होते हुए भी, वो कैपेबिलिटीज होते हुए भी, हाई टेक्नोलॉजी होते हुए भी, हम क्राइसिस का सामना बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल गाइडेंस का स्ट्रॉन्ग होना, उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। एन एनिमी एट आर गेट, आज वो दिन है जब हमारा दुश्मन हमारे गेट पर है, और ऐसे में हमारे हमें कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक लॉजिकल अप्रोच जिसके पास है, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, फोर्स लेवल है, टेक्नोलॉजी है, और उसे लड़ने के लिए, और जिसके पास कहीं ना कहीं भारत को इन्फ्लुएंस करने के अलग अलग हथकंडे हैं, तो वहाँ पर हमें भी उसी तरीके से अपनी तैयारी को बनाना होगा। अपने इस क्राइसिस को आगे कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पर भारत के सामने दो चीज़ें हैं, खास करके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, उनके सामने एक तो अपनी टेरिटरी को बचाना है और वहीं दूसरी तरफ विदाउट लूजिंग अ प्रेस्टीज, हमारे प्रेस्टीज को बरकरार रखना है। किसी भी ऐसे एग्रीमेंट पर हम साइन नहीं कर सकते जो हमारी प्रेस्टीज को नीचे जाने दे। तो यहाँ पर ये जो दो चैलेंज है उसको हम तभी हासिल कर पाएंगे जब हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को डीलिंक करेंगे अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। कैसे हो सकता है ये डीलिंक, जब अपोजिशन को, आपने देखा होगा अपोजिशन कैसे पलटवार कर रही है, कोई अपने समय को याद नहीं करता, कोई अपनी गवर्नमेंट को याद नहीं करता, कोई अपनी नीति को याद नहीं करता, बस हर किसी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी सामने नज़र आती है। ऐसे में ये समय पॉलिटिकल डिबेट का नहीं है, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले अपोजिशन, पार्लियामेंट, मीडिया, पब्लिक, हर किसी को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की ज़रूरत है, हमारी मिलिट्री को ताकत देने की ज़रूरत है, और जो उनकी असल क्षमता है जिसे वो PLA को हरा सकते हैं, चाइना को उसके टेरिटरी में खदेड़ सकते हैं, उसकी ताकत देने की ज़रूरत है।
तो एक एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग डायमेंशन को यहाँ पर दिखाया है राइटर ने, जो आपको किसी भी आंसर राइटिंग में मदद पहुंचाएगा, जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करता हो, आईआर की बात करता हो। अब जरा आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के देखिए, मुझे लगता है आपको जरूर एक व्यू समझ में आ गया होगा कि कैसे इन आंसर्स को लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। दो स्टेटमेंट है, सवाल है दौलत बेग ओल्डी। पहला स्टेटमेंट, इट इज नेम्ड आफ्टर सुल्तान शेद अहम खान, तो बताइए सही है गलत है। दूसरा, इट लाइज नियर द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ काराकोरम रेंज इन कोल डेजर्ट, इज इन द फार नॉर्थ ऑफ इंडिया। सही आंसर कहाँ पर बताएंगे? जो लोग नए लोग हैं बता दें, थोड़े मेहनत से कमेंट बॉक्स में जाना है, आंसर करना है, ठीक है। और आज आप लोग प्लीज़ आप लोग स्टेटस लगाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे ये वाला वीडियो। एंड श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चलिए फटाफट बताइए, गंगा, सतलज, काली रिवर या फिर इनमें से कोई भी नहीं, सही आंसर बताना है। फार्मा प्रोड्यूस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं बताइएगा, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में फटाफट से, ठीक है। चौथा सवाल, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, किस चीज़ को परमिट किया है, किस चीज़ को प्रोहिबिट किया है। द ऑर्डिनेंस प्रोहिबिट स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लेवाइंग एनी मार्केट फीसेस लेवी ऑन फार्मर, ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए जरा, उस ऑर्डिनेंस को पढ़ करके देखिए, आंसर सही मिल जाएगा आपको, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई और बहनों, आई मिस यू। और आप सब लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे उन सारे व्यूअर्स तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस वीडियो का। और मेरे पास सिर्फ आप ही एक रास्ता है दोस्तों, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं कि मैं उनको बता पाऊँ। तो आप जैसे भी हो, आप शेयर कीजिए, आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, और इस चैनल को आपको प्रमोट करना है, आपको इस वीडियो को पहुंचाना है, बताना है, जो नए लोग हैं उनको आई होप मज़ा आया होगा। आप लोग अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और बिल्कुल हम उसको ऐड करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जो भी कहा है, हम लगातार उसको ऐड ऑन करते गए हैं अपने वीडियोस में। तो आप लोग प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स को दीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको आज का एफर्ट पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं एक नए शुरुआत के साथ, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, आज आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, आपको लाइक भी करना पड़ेगा, और आप जो नए लोग हैं, क्योंकि आज आज सभी लोग नए लोग हैं, तो प्लीज़ वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। हम लोग नए लोग हैं, ऑब्वियसली अब तो हम नए हो गए, अचानक से बहुत पुराने और बहुत इस्टेब्लिश्ड होकर के भी आज बहुत नए हो गए हैं, तो बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हालांकि खैर। तो प्लीज़ उस बेल को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपके पास घंटी बजाएंगे तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।